गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज हमारे यूट्यूब चैनल पर हम अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हमारा साइंस का सब्जेक्ट चल रहा है, उसकी लास्ट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें इसकी पहले भी 9 वीडियोस आ चुकी हैं, जिसमें हमने पिछले 10 साल के सभी क्वेश्चंस को जो आपके साइंस के हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आए थे उनको डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। और उस सीरीज में ये 12 क्वेश्चंस की एक लास्ट वीडियो है, राइट। तो इन सभी वीडियोस को अगर आपने पीछे वाली नहीं देखी है उनको भी जरूर देखिए, क्योंकि पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं हर सब्जेक्ट के, और साइंस का ही लास्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है ज्योग्राफी की क्वेश्चन से शुरू करेंगे, उनको भी देखिएगा जरूर, क्योंकि अगर आप इस साल HAS दे रहे हैं या नेक्स्ट ईयर जब भी दे रहे हैं और हिमाचल के और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उसमें बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि इन क्वेश्चंस को रिपीट किया जाए, स्पेशली जो आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाता है, उन एग्जाम्स में तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इन क्वेश्चंस के रिपीट होने की, राइट। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेंसेशन ऑफ फटीग इन द मसल्स आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेनुअस फिजिकल वर्क इज कॉज्ड बाय, राइट। ये क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग में हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीट हुआ है किसी और फॉर्म में, राइट। तो आप भी जानते होंगे इसका आंसर क्या है, एंड द राइट आंसर इज डी द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। हमने पढ़ा था कि अगर जो आपका पाइरूवेट है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर कन्वर्ट होता है तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो लैक्टिक एसिड जब बनता है तो उससे फटीग या फिर आपके जो है पेन वगैरह क्रैम्प्स वगैरह बॉडी में आ जाते हैं, राइट। तो जो राइट आंसर है इसका डी, रिपीटेड क्वेश्चन है, द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी वजह से कि इंटेंस वर्कआउट के बाद फटीग या फिर टिश्यू डैमेज भी हो सकता है लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन केल्विन स्केल। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। आपको पता है कि केल्विन स्केल में जो जीरो है दैट इज 273 केल्विन, राइट। और डिग्रीज में अगर मैं बात करूं तो आपके ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, और फारेनहाइट में बात करूं तो 98.4 डिग्री फारेनहाइट। तो अगर इसको जीरो डिग्री के बराबर हम मान के चलते हैं, इसमें अगर 37 को हम ऐड कर दें तो इट विल कम अराउंड 310 केल्विन। वेरी इजी क्वेश्चन, वैसे भी जो है क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आपको ये तरीके से नहीं पता, आपको वैसे भी याद होगा कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का इन केल्विन स्केल इज 310 केल्विन। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखो HAS एग्जाम में आए हुए हैं, और एकदम रसगुल्ला टाइप क्वेश्चन है कि आपको दो नंबर जरूर देके जाएंगे ये, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो द केल्विन इज द बेस यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर की मैंने जो बात करा था, फारेनहाइट में 98.6 है, 37 डिग्री सेल्सियस है आपके सेल्सियस स्केल में या सेंटीग्रेड स्केल जिसको बोलते थे हम, और जीरो डिग्री है इसके बराबर, इसमें ऐड कर दोगे 37 तो इट विल कम आउट टू बी 310 केल्विन, व्हिच इज अ नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, राइट, इन केल्विन स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर। देखो इन सब का नाम जो है वो सिल्वर लग रहा है पीछे, बट इनमें से एक ऐसा भी है जिसका जिसमें एक्चुअली सिल्वर नहीं होता, उसका सिर्फ नाम ही सिल्वर है। तो उसका जो सही आंसर है दैट इज बी, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो है एलॉय है, टिन, लेड, ऐसे ऐसे अलग तरह के मेटल्स का जिसका नाम जर्मन सिल्वर है, लेकिन उसमें सिल्वर नहीं डलता। और अब बाय कन्वेंशन ये मना भी कर दिया है इंटरनेशनल सिस्टम ने कि अब जिस चीज में जिस अलॉय में सिल्वर नहीं डलेगा उसके नाम के आगे सिल्वर लगना ही नहीं चाहिए, तो अपीयरेंस की वजह से इसको हम जर्मन सिल्वर बोल देते थे, राइट। तो जर्मन सिल्वर नेम फॉर वेरियस अलॉयज ऑफ कॉपर, जिंक, निकल और समटाइम्स लेड एंड टिन भी इसके अंदर होता है। तो राइट आंसर इज योर बी, इसका नाम जर्मन सिल्वर है लेकिन उसमें सिल्वर नहीं है। उसके अलावा याद रखिएगा हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर और लूनर सिल्वर, तीनों में ही सिल्वर पाया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सी आपका जो है फोर्थ क्वेश्चन, एल्यूमिनियम सर्फेसेस आर ऑफन एनोडाइज, दिस मीन्स द डिपोजिशन ऑफ व्हाट। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, जिसका सही आंसर आप सभी जानते हैं बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो आपके आपने देखा होगा एल्यूमिनियम वाले डोर्स भी जो बनते हैं उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, राइट, थोड़ी डल सी लेयर होती है जिससे आपका जो है दरवाजा वो एल्यूमिनियम वाला खराब ही नहीं होता। तो उस पर क्या लेयर होती है, वो दैट इज योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो उसको
रस्ट से बचाती है, उसी की ऑक्सीडाइज्ड लेयर जो है उसको रस्ट से बचाती है, तो दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो जो आपके क्वेश्चंस आ भी रहे हैं केमिस्ट्री के, आपने एक चीज तो इन 10 वीडियोस में जरूर ट्रेंड में आपने फील की होगी या परसेप्शन की मतलब बनी होगी आपकी चीज के बारे में, कि क्वेश्चंस जो है वो एवरीडे केमिस्ट्री से आ रहे हैं, कि आपके आसपास की जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपके आसपास की जो एवरीडे साइंस जिसको हम बोलते हैं उन पे ज्यादा पढ़ते वक्त भी उन चीजों पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि उनसे ही क्वेश्चंस जो है आपके बन रहे हैं, राइट। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज अ केमिकल कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन विद द फॉर्मूला ऑफ Al2O3, और इसकी लेयर जो होती है उस एल्यूमिनियम के ऊपर होती है जिससे वो रस्ट से बच जाता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटीरियल। तो बुलेट प्रूफ मटीरियल के लिए कौन सा मटेरियल इनमें से यूज किया जाता है, कौन सा पॉलीमर। पॉलीमर होता है कि जो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें चेन स्ट्रक्चर हो, जो कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से बनता है, कि मल्टीपल बॉन्ड्स, एक मोनोमर है वो मोनोमर जुड़ते गए और पॉलीमर बनाते गए। तो पॉलीथीन भी आपने सुना है, पीवीसी भी आपने सुना है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स वगैरह में, पॉलीमाइड्स भी आपने सुना है अलग अलग प्रोडक्ट्स में, तो ये तीनों तो नहीं है, लेकिन पॉलीकार्बोनेट्स जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और थर्मोप्लास्टिक से उनको अच्छे से आप मोल्ड भी कर सकते हो, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, तो ये पॉलीकार्बोनेट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल। तो डी इज द राइट आंसर। तो पॉलीकार्बोनेट्स पीसीआर ग्रुप ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कंटेनिंग कार्बोनेट ग्रुप्स इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर्स, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ मटीरियल्स, राइट। तो इसलिए इनको यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ मटीरियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ सीडी, कंपैक्ट सीडी जो हम कंप्यूटर्स वगैरह में डालते हैं, Use in audio and video system is seen in sunlight, rainbow like colors are seen. This can be explained on the basis of the phenomena of what? तो इनमें से कौन कौन से फिनोमेना की वजह से जो आपकी सीडी है उसमें डिफरेंट कलर के आपको कलर्स देखने को मिलते हैं, राइट। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज डी, जिसमें तीनों ही आपके जो फिनोमेना है रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन, राइट। तो डी इज द राइट आंसर। जैसे आप सीडी को देखते हैं इसमें डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तो रिफ्रैक्शन तो इस वजह से क्योंकि जो लेयर इसके ऊपर बनी हुई है वो एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और हवा जो है आपकी रेयरर मीडियम है जिसमें से लाइट इसके अंदर एंटर कर रही है। ट्रांसमिशन तो है ही लाइट की क्योंकि डिफरेंट लेयर में एंटर कर रही है, दोनों हो गया। एंड थर्ड इज डिफ्रैक्शन, तो डिफ्रैक्शन भी है क्योंकि बेंडिंग हो रही है लाइट की, राइट। क्योंकि डिफ्रैक्शन इज व्हाट, किसी हार्ड से सरफेस से, किसी इरेगुलर सरफेस से टकरा के, जो यंग्स के स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था कि लाइट जो है वो फैल जाती है, तो कुछ इसी तरह का फिनोमेना डिफ्रैक्शन का इसमें भी हमें देखना मिलता है। तो जो आपका आंसर है दैट इज डी, तीनों ही फिनोमेना रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन, तीनों ही फिनोमेना जो है सीडी में काम करते हैं जिस वजह से आपको ये कलरफुल से कलर देखने को मिलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज अ टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट यूज टू ऑपरेट टीवी सेट। तो इनमें से कौन सी वेव्स हम यूज करते हैं, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन अगेन, इंफ्रारेड वेव्स, जो आईआर वेव्स हैं, आपने देखा होगा रेड कलर की एक डॉट सी निकलती है जब आप टीवी का रिमोट प्रेस करते हो, तो इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। जो आपका स्पेक्ट्रम है जिसमें आप सारी वेव्स पढ़ते हो, गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, राइट, उसके बाद इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड वाला जो स्पेक्ट्रम है एनर्जी भी कम है, हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं है, राइट, और शॉर्टर डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है, तो हम इंफ्रारेड वेव्स जो है उसको यूज करते हैं हमारे रिमोट कंट्रोल के लिए, राइट। तो टू सेंड अ सिग्नल टू अ टेलीविजन रिमोट कंट्रोल इज ऑफन यूज अ डायोड दैट एमिट्स लाइट अराउंड 940 नैनोमीटर्स, ये वेवलेंथ है आपके नियर इंफ्रारेड लाइट की, राइट। तो इस रेंज के आसपास लाई करती है, तो हम इंफ्रारेड को यूज करते हैं आपके टीवी रिमोट सिग्नल्स में। नेक्स्ट इज अ फ्यूज इज यूज टू मेंटेन इलेक्ट्रिक सप्लाई एज अ सेफ्टी डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द फ्यूज इज करेक्ट। तो पूछा है कि कौन सा इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द मेन स्विच, अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर आप पैरेलल में लगा दोगे तो वो जो हाई करंट आपका इन केस बाहर से आ जाए, फ्लक्चुएशन हो जाए वोल्टेज में, तो अगर वो फ्यूज से ना निकले, किसी पैरेलल सर्किट से आपके घर में चला जाए, तो वो सारे घर में शॉर्ट सर्किट कर देगा। तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इट इज मेड मेनली फ्रॉम सिल्वर अलॉयज, नहीं, हाई मेल्टिंग पॉइंट है इनका, इसलिए सिल्वर हम यूज नहीं कर सकते। नो डाउट इसकी कनेक्टिविटी बहुत हाई है, लेकिन सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट अगेन इज ऑल्सो हाई, तो नहीं यूज कर सकते। थर्ड, इट मस्ट हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट, कि इसका जो
मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होना चाहिए। देखिए अगर फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो गई वोल्टेज में, बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ गई, अगर ये इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा ये टाइम से टूट जाएगा, और टूटने से क्या होगा, जो वो हाई वोल्टेज है वो आपके सर्किट, घर के सर्किट के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को खराब नहीं कर पाएगी। तो इसलिए सी जो है करेक्ट पूछा इज अ राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज अगेन इट मस्ट हैव अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, नहीं, इसकी कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी लो होनी चाहिए, अगेन गलत स्टेटमेंट है। तो सी इज द राइट आंसर, द मटेरियल यूज फॉर फ्यूज एलिमेंट्स मस्ट बी ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, राइट। तो सी इज द राइट आंसर। और 10 लेड ऐसे एलिमेंट से बनता है आपका फ्यूज, इसके अलॉय से बनता है आपका फ्यूज। नेक्स्ट इज अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग, अगेन दो नंबर, बड़े प्यारे दो नंबर आपको एचएस दे देता है ऐसे क्वेश्चन डाल के। तो द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद लेसर फोर्स, आई गेस हर किसी को ये पता होगा कि आप सेम अमाउंट कर रहे हैं काम, लेकिन आपको फोर्स कम लगानी पड़ी है, उसको हम बोलते हैं सिंपल मशीन। तो बी इज द राइट आंसर। फॉर एग्जाम्पल आप कुएं से अगर पानी बाल्टी निकालना चाहते हैं, तो उसमें एक तो ये है कि आप सीधा उस बाल्टी को खींच रहे हैं, फोर्स ज्यादा लग रही है, लेकिन आपने एक पुली सिस्टम बीच में वो लगा देते हैं, व्हील लगा देते हैं जिसके ऊपर से रस्सी हम घेरते हैं फिर खींचते हैं, तो इजीली आ जाता है। दैट पुली इज एक्टिंग एज अ सिंपल मशीन। तो आपने फोर्स जो है कम कर दी, आपकी कम फोर्स लग रही है उतना ही काम हो रहा है, ठीक है। तो सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद अ लेसर फोर्स, राइट, इज दिस टाइप मशीन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल मशीन। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज बेसिकली अ, अभी मैं बता के भी हटाऊं तो सीरीज कनेक्शन तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज योर बी, दैट इज पैरेलल कनेक्शन। तो ये भी नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल भी नहीं है, सीरीज कनेक्शन विद ईच रूम एंड पैरेलल कनेक्शन ऐसा भी कुछ नहीं है, ऑलवेज इट इज अ पैरेलल कनेक्शन। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर सीरीज कनेक्शन हो और आपका जो फर्स्ट अप्लाइंस है यही खराब हो जाए, तो आपका करंट जो है वो कभी आगे जा ही नहीं पाएगा, राइट। तो हमें हमेशा पैरेलल सर्किट बनाना पड़ता है ताकि आपका करंट जो है आगे जाए। दूसरी बात, आपके सीरीज में आपका जो करंट है इट रिमेन सेम, लेकिन आपके हर अप्लाइंस को डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट वैल्यू है, कोई 5 एम्पीयर पे चलता है, कोई 15 एम्पीयर पे चलता है, तो अगेन इट रिक्वायर्स अ पैरेलल कनेक्शन। तो राइट आंसर इज योर बी, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो पैरेलल सर्किट्स आर यूज्ड थ्रू आउट योर होम बिकॉज दे अलाउ करंट टू कीप फ्लोइंग थ्रू वेरियस पाथ, सो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फ्लो थ्रू वन पाथ, एक पाथ से नहीं होता, ठीक है। उसमें भी आपको पता है, जैसे आपके घर पे दिवाली पे जो हम लड़ियां लगाते हैं उसमें अगर एक बल्ब बीच में से खराब हो जाए तो आगे के सारे बंद हो जाते हैं बिकॉज इट इज अ सीरीज कनेक्शन। लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं होता कि अगर ये ट्यूबलाइट बंद हो जाए तो ऐसा नहीं है कि इस रूम की बाकी ट्यूबलाइट्स भी नहीं जलेंगी। उसका कारण यह है क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, आपका करंट फ्लो कर रहा है, राइट। तो आंसर इज बी, पैरेलल सर्किट्स। नेक्स्ट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटासिड इज, देखो अगेन कितना बेसिक और मतलब आपकी एवरीडे लाइफ से जुड़ा हुआ है। नॉर्मली हम घरों में बोलते हैं ना कि जाके ये दवाई लो वो दवाई लो इस चीज के लिए। तो जब एंटासिड की बात करें तो एंटासिड मतलब एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए इनमें से कौन सी दवाई हम खाते हैं, तो हमें सबको पता है, बोल देंगे जेंटेक जो है ये ले लो, तो बिकॉज अगेन इट इज अ बेस, ठीक है। तो एंटासिड का काम करता है, एंटी एसिड का काम करता है आपका जेंटेक। तो राइट आंसर इज योर डी। तो आपकी जो अवेयरनेस है बेसिकली, मुझे लगता है कि कई बार एचएस जो है इन क्वेश्चंस में ये भी चेक करने की ट्राई करता कि आखिर कितना अवेयर सिटीजन है वो इंसान जो इस एग्जाम को लिख रहा है। तो राइट आंसर इज डी, जेंटेक इज ए मेडिकेशन विच डिक्रीजेस स्टमक एसिड प्रोडक्शन। तो स्टमक एसिड प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रहा है, एंटी एसिड है या एंटासिड भी इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिड्यूसेस फीवर, तो इनमें से कौन सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो इनमें से कौन सा जो टाइप ऑफ ड्रग है, ये टाइप्स ऑफ ड्रग्स के नाम है, राइट। तो कौन सा जो है आपका फीवर जो है इसको कम करता है, तो राइट आंसर इज योर बी, एंटीपायरेटिक। जो आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का फीवर में, तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो है आपके टेम्परेचर को कम करने की ट्राई करते हैं, ये आपके हाइपोथैलेमस को कुछ इस तरह से एक्ट करवाते हैं कि वो टेम्परेचर को बढ़ने ना दे। तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स आर यूज टू रिड्यूस फीवर इन पेशेंट्स, राइट। तो एंटीपायरेटिक्स आर अ सब्सटेंस दैट रिड्यूस फीवर, द मोस्ट कॉमन एंटीपायरेटिक्स आर आइब्रूफेन जो हम सॉल्ट बोलते हैं या फिर एस्पिरिन, राइट। तो इस तरह के सॉल्ट्स हम एंटीपायरेटिक्स में यूज करते हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस थे इसमें 10 की बजाय, क्योंकि ऑलमोस्ट एंड था आपके साइंस के क्वेश्चंस का। तो 10 वीडियोस में जो है हमने साइंस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एचएएस के एग्जाम में जो अभी आए हैं पिछले 10 सालों में उनको डिस्कस हम कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा
तो प्लीज इन वीडियोस को देखिए, क्योंकि आपने देख ही लिया कितनी ज्यादा रिपीटिशन है, तो जरूर हो सकता है कि इस बार या अगली बार जब भी आप अटेम्प्ट देना चाहें या किसी और भी एग्जाम का देना चाहें HPPSC का, तो उसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट? तो अगेन कीप फॉलोइंग एंड थैंक यू वेरी मच.